पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच मच गया घमासान। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रातों रात छोड़ा पीएसएल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पीएसएल के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग से हटने का फैसला किया है। 31 वर्षीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक तौर पर लीग से हटने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से लगातार 2 ट्वीट किए और पीसीबी पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। हालांकि देर से हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर आरोप का खंडन किया है और उल्टा फॉकनर के ऊपर ही आरोप लगाया है। पीसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान में फॉकनर को ही कटघरे में खड़ा किया गया है और उन पर ब्लैक मिलिंग, तोड़फोड़ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, पीसीबी ने यह भी कहा है कि फॉकनर के 70% पैसे दिए जा चुके हैं और बाकी के पैसे भी जल्द ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही पीसीबी ने भविष्य में फॉकनर को पीएसएल में शामिल नहीं करने की भी बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आखिरी 2 मैचों से हटना पड़ा और पीसीबी की तरफ से मेरी तय सैलरी का भुगतान नहीं करने की वजह से मुझे पीएसएल छोड़ना पड़ा। मैं यहां शुरू से रह रहा हूं और उन्होंने मुझसे झूठ बोलना जारी रखा। उन्होंने आगे लिखा है, यह लीग छोड़ने में दुख होता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने में मदद करना चाहता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी युवा प्रतिभाएं हैं और प्रशंसक अद्भुत हैं, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया है वह पीसीबी तथा पीएसएल की तरफ से अपमानित करने जैसा है। मुझे यकीन है कि आप सभी मेरी स्थिति को समझेंगे। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।